हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफॉरगेट एंड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे मई के फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके आंसर्स। इसका पहले दो वीडियो में हम लोगों ने मई के फर्स्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट व्यूड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम कौन सा बना है। ठीक है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट इंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनमें से कौन सा बना है, शक्तिमान या महाभारत या बिग बॉस या रामायण या सर्कस। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम बना है रामायण। ठीक है, कौन बना है? रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? रामानंद सागर। रामायण के डायरेक्टर कौन है? रामानंद सागर। रामानंद सागर जी हैं। ठीक है, ऐसे जी है यार, रामानंद सागर जी है इसके डायरेक्टर। इसने 7.7 करोड़ का रिकॉर्ड मतलब बनाया था एक दिन में, वॉच किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो मनरेगा स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड किया है इस लॉकडाउन के बावजूद भी। तो इनमें सबसे इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा या झारखंड या बिहार या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है लॉकडाउन के बावजूद भी सबसे हाईएस्ट जॉब प्रोवाइड कराने वाला स्टेट है। इसका कुछ फैक्ट देख ले, वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा का सीएम नवीन पटनायक, झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन, बिहार का सीएम नीतीश कुमार और छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ गवर्नर दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? सीएम है भूपेश, ठीक है, बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ के गवर्नर हो गए दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, डी फॉर दिनेश, एन फॉर नंदन, एस फॉर सहाय। ठीक है, दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के गवर्नर, सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। बोल रहे हैं एन सी एस टी डेवलपमेंट और काउंसिल ने मिल करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, यस प्रोग्राम। ये क्या करेगा? ग्रास रूट लेवल पर देखेगा हेल्थ को। हम लोग के इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, सबको पता है। ये COVID-19 आकर के इसको पूरा दिखा दिया, उजागर कर दिया। तो अब यहाँ के NCST और दिल्ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिल करके यस प्रोग्राम स्टार्ट किया है हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर यस प्रोग्राम जो लॉन्च किए, तो इस यस का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है यस का? ऑप्शन ए, ईयर ऑफ अल्टरनेटिव ऑन साइंस एंड हेल्थ, या ऑप्शन बी, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, या ऑप्शन सी, ईयर ऑफ अवेयरनेस टू साइंस एंड हेल्थ, या ऑप्शन डी, ईयर ऑफ अरोमा ऑन साइंस एंड हेल्थ, या ऑप्शन ई, ईयर ऑफ असेसमेंट ऑन साइंस ऑफ हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन बी, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यस का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें आते हैं एक एनसीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएसटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स। एनसीएसटी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है प्रहलाद सिंह पाटिल, उन्होंने एक बुक, ई बुक माने कि नेट पे जो बुक लॉन्च किया है, ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन ए, प्रोफेसर सरीना रत्नागर, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी, प्रोफेसर न्यान ज्योत लोहड़ी, या प्रोफेसर बीबी लाल, या प्रोफेसर दिलीप कुमार चक्रवर्ती। तो उस बुक का नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर। ठीक है, कौन है? ऑप्शन डी, प्रोफेसर बीबी लाल रीडिस्कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं।
ठीक है, CSIR सेंट्रल और रिसर्च मिलकर के एक ऐप को बनाया है फार्मर्स के लिए। ये क्या करेगा, फार्मर्स और मंडी को कनेक्ट करेगा, सब कुछ दिखाएगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे मंडी से आदमी सॉरी खेतों से मंडी में सामान जाएगा, या फिर जो बायर है मंडी में ना जाके डायरेक्ट खेतों से ले सके, किसान से कॉन्टेक्ट कर सके। तो इसके लिए CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐप बनाया है। तो उस ऐप का नाम क्या है, किसान सभा ऐप, या किसान सेवा ऐप, या किसान साथी ऐप, या किसान सुरक्षा ऐप, या किसान सारथी ऐप? तो उस ऐप का नाम है ऑप्शन ए, किसान सभा ऐप। ठीक है, क्या नाम है इस ऐप का, किसान सभा ऐप। यह किसान सभा ऐप क्या करेगा, जो फार्मर्स है और जो बायर है, चाहे मंडी के चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों का यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और यहाँ पे CSIR का फुल फॉर्म क्या है, जो CSIR है इसका फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बोला है वो ऐसा कौन सा जो लोकसभा के सॉरी लोकपाल ऑफ इंडिया के एक जुडिशियल मेंबर थे जो कोरोना वायरस के कारण मर गए, मतलब उनको कोरोना वायरस हो चुका था, उससे इन्फेक्टेड हो चुके थे, जिसके कारण की मृत्यु हो गई। तो उस उन लोकपाल ऑफ इंडिया के नाम क्या है, ABCD ये बोर्ड कर दिया, इनमें से कौन सा नाम है? तो उनमें से ऑप्शन ई, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी जो है नोबल कोरोना वायरस के कारण की मृत्यु हो गई है, ये कौन है, लोकपाल ऑफ इंडिया के जुडिशियल मेंबर है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है लोकपाल ऑफ इंडिया क्या होना है, तो लोकपाल ऑफ इंडिया का मतलब होता है डिफेंडर ऑफ पीपल या पीपल्स फ्रेंड, मतलब अगर पीपल को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट नहीं सुनती है, तो वो सीधा लोकपाल के अपना कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकपाल ऑफ इंडिया मतलब डिफेंडर ऑफ पीपल या पीपल्स फ्रेंड। तो पहले लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है और अभी लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, तो पहले लोकपाल ऑफ इंडिया और अभी लोकपाल ऑफ इंडिया एक ही है, जिनका नाम है पिनाकी चंद्रा घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपना स्टेट के सभी 100% लोगों के लिए एक फ्री इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया है, मतलब उस स्कीम को जो है, जो एग्जिस्टिंग महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना था उसमें ऐड कर दिया है, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, पहले 85% लोगों को इंश्योरेंस मिलता था, अब 100% लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा। तो कौन सा स्टेट है ये करने वाला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, तो इनमें से कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने अपने स्टेट के सभी लोगों को फ्री इंश्योरेंस का मतलब प्रोवाइड किया है। तो महाराष्ट्र के CM को और गवर्नर देख लेते हैं, इसके CM कौन है, महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं, CM ममता बनर्जी, तमिलनाडु का CM हो गई एडापड्डी के पलाना स्वामी, मध्य प्रदेश का CM हो गए शिवराज सिंह चौहान, और केरला के CM हो गए पिनराई विजयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है कि हम हार नहीं मानेंगे कॉम्पेगन लॉन्च किया गया है, एक सॉन्ग है हम हार नहीं मानेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यस बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, या ICICI बैंक। तो हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग को रिलीज किया है HDFC बैंक ने, ऑप्शन बी HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को लिखा कि मतलब गाया किसने, गाया है AR रहमान जी ने। ठीक है, AR रहमान, कंपोज्ड बाय AR रहमान, और इसका लिरिक्स कौन, प्रसून जोशी जी। ठीक है, तब HDFC बैंक के बारे में सब जान लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका मतलब CEO कौन है, HDFC बैंक का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है, आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी, और इस बैंक का कौन स्लोगन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, HDFC बैंक का स्लोगन क्या है, स्लोगन स्लोगन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, को आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ पूछ रहा है, हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है, 5 मई को हैंड हाइजीन डे मनाना शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हैंड हाइजीन डे सबको साफ़ सुथरा रहना है, अपने हाथों को साफ रखना है जिससे बीमारी एक से दूसरे में ना फैले, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया है? तो हैंड हाइजीन डे मनाया गया है 5 मई को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मतलब 2020 का जो पुलित्जर प्राइज़ है बहुत सारा कैटेगरी में दिया जाता है, तो इस बार 2020 का पुलित्जर प्राइज 3 इंडियंस को मिला है, मतलब 3 इंडियन जर्नलिस्ट है उनको मिला है ये 2020 का पुलित्जर प्राइज। तो पूछा है इनमें से किस क्षेत्र में मिला है उनको, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में, पब्लिक सर्विस में, फीचर फोटोग्राफी में, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में, या लोकल रिपोर्टिंग में? ठीक है, तो जो 3 इंडियन को पुलित्जर प्राइज़ मिला है 2020 को, उनको मिला है फीचर फोटोग्राफी के कैटेगरी में, ऑप्शन सी फीचर फोटोग्राफी। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं जिनको जिन लोगों को ये वाला 2020 का पुलित्जर प्राइज़ मिला होगा, जर्नलिस्ट का नाम क्या है? तो पहला का नाम है दार यासिन, ठीक है, दार यासिन। दूसरा का नाम है मुख्तार खान, ठीक है, दूसरा जर्नलिस्ट का नाम है मुख्तार खान। और तीसरा का नाम है चन्नी आनंद, ठीक है, क्या नाम है? चन्नी आनंद। तो कौन कौन सा जर्नलिस्ट है? दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में भी दे सकता है कि इनमें से कौन है जिसको 2020 का पुलित्जर प्राइज फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में नहीं मिला है, तो इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। ऑप्शन 11 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। पढ़ाया था मैंने, बोला था वीडियो KYC प्लेटफॉर्म मतलब एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने वीडियो KYC निकाला, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है KYC के लिए। तो उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है ऑप्शन ई MOU, ठीक है, MOU। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इजिप्ट के एक टेनिस प्लेयर है, उनको जो है हमेशा लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है टेनिस खेलने से, क्योंकि उनको बहुत सारा मैच फिक्सिंग और करप्शन का चार्जेस में पकड़ा गया है। तो उस टेनिस प्लेयर का नाम क्या है? तो उस टेनिस प्लेयर का नाम हो गया ऑप्शन बी यूसुफ हुसैन, ठीक है, ऑप्शन बी यूसुफ हुसैन। टेनिस कप में या अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूसुफ हुसैन जो एक टेनिस प्लेयर है किस देश से खेलते थे, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यूसुफ हुसैन इजिप्ट से खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक कहते हैं प्रोग्राम लॉन्च किया है, वर्चुअल प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था रविंद्रनाथ जयंती के दिन, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जन्मदिन पे प्रोग्राम को लॉन्च किया है उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस प्रोग्राम का नाम हो गया ऑप्शन ए नगमा के झरोके से, या ऑप्शन बी नगमा के संचय से, या नगमा के तिजोरी से, या नगमा के संग्रह से, या नगमा के कार्यालय से, कार्यालय से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नगमा के संग्रह से, ठीक है, नगमा के संग्रह से प्रोग्राम, वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च बाई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 7 मई को। 7 मई को रविंद्र जयंती मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बोला है नेम द डिवाइस, मतलब DRDO का एक ब्रांच है द लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उसने एक डिस इन्फेक्शन बोलते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक मशीन बनाया, एक यंत्र बनाया है, तो उस यंत्र का क्या नाम है? ठीक है, तो उस यंत्र का नाम है ऑप्शन ए अल्ट्रा वायोलेंट डिस इन्फेक्शन टावर, अल्ट्रा वायोलेंट डिस इन्फेक्शन टावर। इसको किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है, DRDO का एक एजेंसी है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर उसने बनाया है, ठीक है। तो आते हैं DRDO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो DRDO का हेडक्वार्टर है नया दिल्ली में, ठीक है, कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नया दिल्ली में।
और इसका चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ का चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है, डीआरडीओ का चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियन नेशन जो दो देशों पर जो मान लें रिपब्लिक में, उसमें से उन लोगों को वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने एक अभियान लॉन्च किया था, मतलब अपने देश के नागरिक को बाहर से लाने के लिए इंडियन नेवी ने एक अभियान लॉन्च किया है, उस अभियान का क्या नाम है? तो उस अभियान का नाम है ऑप्शन बी, ऑप्शन ई समुद्र सेतु। क्या नाम है? ऑप्शन ई समुद्र सेतु। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन को पहले पॉज करके अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है CHD कोविड नामक ऐप किस स्टेट ने, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो CHD कोविड नामक ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। गलत बोल दिया, सॉरी, छत्तीसगढ़ नहीं, ऑप्शन डी चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए यहाँ का CM नहीं होंगे, सिर्फ CM है दिल्ली के। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हो गए वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के CM है वीपी सिंह बदनौर, सॉरी, चंडीगढ़ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, और छत्तीसगढ़ के CM तो पहले ही बताए हैं भूपेश बघेल जी है, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, मतलब बैसाख डे कब मनाया गया, मतलब किसके जन्मदिन पे बैसाख डे मनाया जाता है? तो बैसाख डे मनाया जाता है 7 मई को, और ये मनाया जाता है लॉर्ड गौतम बुद्धा के जन्मदिन और उनका ज्ञान का प्राप्ति, सॉरी, लॉर्ड गौतम बुद्धा के जन्मदिन पे नहीं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी होता है पीपल वृक्ष के नीचे, उसी डे को बैसाख डे के रूप में मनाया जाता है, और 7 मई को मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है बैसाख डे। ठीक है, और इसी डेट को गौतम बुद्ध जी को ज्ञान का प्राप्ति भी हुआ था, और इसी दिन को इनका देहांत भी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है RBI का एक डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनको नियुक्त किया गया है तरुण बजाज जी को, तरुण बजाज जी को RBI का सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अच्छा, RBI पे आए तो थोड़ा RBI के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, RBI फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जब बना था, ये बना था 1 अप्रैल 1935 को बना था। RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, जब ये 1935 में बना था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में RBI के हेडक्वार्टर को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। जब RBI बना था तो इसका कैपिटल पेड अप कैपिटल था 5 करोड़। ठीक है, RBI का पेड अप कैपिटल कितना था? 5 करोड़। RBI किस एक्ट में बना है? RBI बना है RBI एक्ट 1934। ठीक है, 1934 के द्वारा RBI एक्ट बना, मतलब RBI बना है। ठीक है, और इसके RBI का भी डायरेक्टर कौन है, मतलब गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विजयंत एट कारगिल नामक बुक किसने लिखा है? तो विजयंत एट कारगिल नामक बुक को लिखा है विजयंत के पिताजी, ऑप्शन डी भीएन थापन जी ने। ठीक है, विजयंत जो है कारगिल के कारगिल युद्ध के समय वो कहते हैं वहीं पे थे, उनको वीर चक्र से भी नवाजा गया मृत्यु उपरांत, उनके ऊपर एक बुक लिखा उनके पिताजी ने, भीएन थापन ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20, मतलब है निगाह नामक प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, एक निगाह प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये निगाह प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जो भी, मतलब हिमाचल प्रदेश के जो भी नागरिक है जो अदर स्टेट में फंसे हुए, अदर स्टेट या फॉरेन कंट्री में जो फंसे हुए, उन लोग को जब वापस लाया जाएगा
जब लाया जा रहा है तो वो लोग को ये एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने, समझाने के लिए कि घरों से बाहर ना निकले, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में रखे, इन सब का अवेयरनेस फैलाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने निगाह नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। हिमाचल प्रदेश का सीएम जयराम ठाकुर, गवर्नर बांद्रू धतारिया। राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑप्शन बी हेमंत क्या, इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफा अल खादिमी। ठीक है, ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन बी मुस्तफा अल खादिमी। ठीक है, इराक के प्राइम मिनिस्टर किसने, कौन बना है? इराक के नया प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफा अल खादिमी जी। अब थोड़ा इराक और ईरान में कन्फ्यूज़न होता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। इराक का कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफ़ा अल खादिमी और ईरान का प्रेसिडेंट है हुसैन रूहानी। इराक का कैपिटल है बगदाद और ईरान का कैपिटल है तेहरान। इराक का करेंसी है दिनार और ईरान का करेंसी जो पहले रियाल था, अब इसको चेंज करके तोमान रखने का बात चल रहा है उन लोगों का पार्लियामेंट में। तो अलग हो गया, इराक और ईरान को एक साथ मत मिलाएगा। इराक का प्रेसिडेंट, इराक का प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल खादिमी अभी अभी बने हैं और ईरान का प्रेसिडेंट है हुसैन रूहानी। इराक का कैपिटल बगदाद, ईरान का कैपिटल तेहरान, इराक का करेंसी दिनार और ईरान का कैपिटल रियाल और तुमान। अभी तो रियाल ही है, थोड़ा दिन बाद, कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा, तुमान हो जाएगा। एक तुमान का वैल्यू हो जाएगा 10,000 रियाल के बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा कि विशाखापट्टनम में गैस लीक ट्रेजेडी हुई है, 10-15 लोगों की मौत हुई है। तो उस ट्रेजेडी में कौन सा गैस था? तो उस ट्रेजेडी में गैस था स्ट्राइन गैस था। कौन सा गैस था? ऑप्शन सी स्ट्राइन गैस। ठीक है, विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी में कौन सा गैस था? स्ट्राइन गैस। तो जान लेते हैं आंध्र प्रदेश का सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिंदर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही आता है, इसलिए आंध्र प्रदेश का सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिगर एवर एवेकेशन एक्सरसाइज लॉन्च किया, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मतलब देश के नागरिक जो बाहर देश में, फिर यदि अपने देश के नागरिक जो दूसरे देश में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने, अपने देश लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उस मिशन का क्या नाम है? तो उस मिशन का नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी वंदे भारत मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विकास अभाया कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? विकास अभाया स्कीम को जो है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? विकास अभाया स्कीम को लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, किस बैंक ने लॉन्च किया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभाया स्कीम को लॉन्च किया। इसी की स्कीम में क्या होगा? COVID-19 के दौरान जो जिन लोगों की फाइनेंशियल हालत ख़राब हो चुकी है, जिस MSME की, तो जिनके एग्जिस्टिंग MSME कस्टमर है उनको 1,00,000 रुपये तक का, 1,00,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल लोन होगा और इसको वापस करना होगा 36 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर जो है इसको वापस करना होगा 1,00,000 रुपये का स्पेशल लोन। उस स्कीम का नाम है विकास अभाया स्कीम। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। ग्रामीण बैंक यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो गांव को डेवलप करने के लिए जो बैंक बनाया गया है उसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं RRB रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो RRB या रीजनल बैंक का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। मतलब गांव को, मतलब रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए रूरल बैंक बनाया गया है, ग्रामीण बैंक बनाया गया है। तो थोड़ा जान लेते हैं ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण बैंक को इंग्लिश में बोलते हैं RRB,
मतलब रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो इस बैंक को जो है आरआरबी को जो है लाइसेंस कौन देता है, तो आरआरबी को लाइसेंस देता है आरबीआई, जो हम लोग सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों का बैंक बोला जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आरआरबी को कंट्रोल कौन करता है, तो आरआरबी को कंट्रोल करता है नाबार्ड, ठीक है, NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, NABARD, ठीक है। नाबार्ड, एन ए का मतलब हो गया नेशनल, बी मतलब हो गया बैंक फॉर, ए मतलब हो गया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, RND से रूरल और डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो RRB को कंट्रोल करता है और लाइसेंस देता है RBI। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, अभी हर्ष कुमार भानवाला जी है नाबार्ड के चेयरमैन, ठीक है। और RRB जो बनेगा ये कहाँ से, मतलब कौन सा कमेटी रिकमेंडेड किया था कि RRB होना चाहिए, तो RRB को बनाने के लिए नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड दिया था, ठीक है। सबसे पहला RRB बैंक कौन था, सबसे पहला ग्रामीण बैंक था प्रार्थना बैंक, ठीक है। सबसे पहला ग्रामीण कौन बैंक कौन था, प्रार्थना बैंक, ये बना था 1975 में। तब जाके उसके एक साल बाद RRB का गठन हुआ, RRB एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है। RRB एक्ट 1976 के द्वारा RRB बैंक का स्थापना हुआ, ग्रामीण बैंक बना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आते हैं, जो ग्रामीण बैंक होता है इसमें स्टेक किसका कितना होता है, तो RRB में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है। एक RRB 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% वो है 50, ये है 15, ठीक है। 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 35% जो शेयर होगा कोई एक फाइनेंशियल स्पॉन्सर बैंक होगा, ठीक है। एक स्पॉन्सर बैंक मिला करके इतना शेयर होकर RRB का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, तो इसका स्पॉन्सर बैंक है कनाडा बैंक, ठीक है। कनाडा बैंक का शेयर कितना है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक में, तो 35% जो हिस्सा कनाडा बैंक का इसमें है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक में। चलो, क्वेश्चन था विकास अभाया स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो विकास अभाया स्कीम को लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। ग्रामीण बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, ठीक है। किसका कितना शेयर होता है भी जान के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इंडियन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। एक होता है यूनाइटेड नेशन, एक इंडियन यूनाइटेड नेशंस, तो इंडियन यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के कौन से पर्सन बने हैं, तो इंडियन यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं ऑप्शन डी TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति जो इंडियन यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर बने हैं, एम्बेसडर बने हैं, इंडियन यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट एम्बेसडर कौन बने हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर कौन बने हैं, TS त्रिमूर्ति जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, थंगदम दबाली सिंह, ये जो बाई प्रोफेशनल मणिपुर के एक डॉक्टर है, मणिपुर के एक डॉक्टर जी हैं थंगदम दबाली सिंह जी, ये क्या किए हैं, मतलब इनको क्यों, क्वेश्चन ये है कि थंगदम दबाली सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड का खिताब दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर रेस का खिताब दिया है, तो थंगदम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर का खिताब दिया है जापान ने, ठीक है। ऑप्शन बी जापान ने दिया है, जापान ने, और थंगदम दबाली सिंह मणिपुर के रहने वाले इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस का खिताब दिया है, क्यों दिया है, इन्होंने इंडिया और जापान के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग के बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है, मतलब समझाया है लोगों को। जापान का PM कौन है, सिंजो अबे, ठीक है, सिंजो अबे जापान का
कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल है टोक्यो, जापान के करेंसी है एन, और जापान में अभी कौन सा एरा चल रहा है? तो जापान में अभी रेवा एरा चल रहा है, ठीक है। कौन सा एरा चल रहा है जापान में अभी? रेवा एरा चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एरा क्या होता है? जापान में एक तो कंट्री मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरा तरीके से वहाँ पे अभी भी किंग भी चलता है, किंगशिप भी चलता है। तो इस तरीके से जब एक नया किंग मरता है, जाने वाला रहता है, तो उसका जो बेटा या उस उत्तराधिकारी होता है वो उस गद्दी पे बैठता है, तो एक रेवा बोल के होता है। तो वही अभी जापान में कौन सा रेवा चल रहा है? एरा चल रहा है, रेवा एरा चल रहा है। आगे देखते हैं, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाई इन। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, और उसका करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया का कैपिटल जाकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया का कैपिटल जाकार्ता, और वहाँ करेंसी हो गया रुपीस या रुपया, ठीक है। तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जोको विडोडो, जाकार्ता, रुपया। उसके बाद आते हैं रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? सबको पता होगा रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया का करेंसी है रूबल। यूनाइटेड किंगडम के पीएम है बोरिस जॉनसन, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के पीएम है बोरिस जॉनसन, और वहाँ का कैपिटल है लंदन, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक बुक है जिसका नाम है रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोरी। इसको किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है ऑप्शन ई जॉन बोल्टन ने बुक लिखा है। जॉन बोल्टन ने बुक लिखा है द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेम द फर्स्ट इंडिया की एक पहली कंपनी है, ठीक है, जिसने एक दवा है फेवीपिरावीर एंटीवायरल एक टैबलेट बनाया है COVID-19 पेशेंट्स को जो सीरियसनेस को कम करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए एक दवा बनाया है जिसका नाम रखा है फेवीपिरावीर एंटीवायरल टैबलेट। तो इसका क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मांगा, तो परमिशन मिल गया है, ठीक है। तो उसको कौन सा कंपनी जिसको परमिशन मांगा है फेवीपिरावीर एंटीवायरल टैबलेट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए? तो उस कंपनी का नाम है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। क्या नाम है? ऑप्शन सी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन में आया था कि फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो फार्मास्यूटिकल्स जो भी है किस मिनिस्ट्री का, नॉर्मली सबको ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मार देगा, जबकि ये गलत है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आती है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की फार्मास्यूटिकल्स आता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तभी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? DV सदानंद गौड़ा जी है, ठीक है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? DV सदानंद गौड़ा। इसी के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है, और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फेवीपिरावीर एंटीवायरल टेबलेट का क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या कहते हैं परमिशन ले लिया है, किससे? DCGI से परमिशन लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट पार्ट है ये करंट अफेयर का, इसका लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर जिनको नॉमिनेट किया जाएगा टेनिस का फेड कप में, ठीक है। फेड कप हॉट अवार्ड है ये, जो है टेनिस में जो है बहुत बड़ा कप होता है फेड कप हॉट अवार्ड। इसमें ACI या ओसेनिक जोन से लिया, पहला इंडियन कौन है जिसमें नॉमिनेट हुई है? तो इसमें से पहला इंडियन है सानिया मिर्जा, ठीक है। टेनिस प्लेयर टेनिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर पढ़े हम लोग, टेनिस का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इजिप्ट का टेनिस प्लेयर था जिसको निकाल दिया गया लाइफ टाइम से, याद आया कुछ? ठीक है, चलिए इसी के साथ कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये पार्ट वन ख़त्म होता है, इसके बाद ही आएगा फर्स्ट मई का फर्स्ट वीक का ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के पार्ट टू, जिसमें आगे का बाकी का क्वेश्चंस होगा 28 से 30। चलिए धन्यवाद।